हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंडियन यूट्यूबर अंजू कुंडलस। तो अभी रात का जो है 12:30 हो रहे हो, देखो टाइम दिखाती हूँ मैं आपको, रात के 12:30 हो रहे हैं और इनकी तबीयत ख़राब होगी एकदम से, खांसी इनको बहुत ज़्यादा लग गई। तो मैं मुझे देसी काढ़ा बना के पिला रही है तो मैं सोची इनको काढ़ा बना के दे दूँ, है ना, कि उससे थोड़ा सा इनको रिलीफ मिल जाए। काढ़ा मीन्स मतलब मेरे पास सामान कुछ नहीं है काढ़े का, और मैं देखो लिपस्टिक, मैंने वीडियो वगैरह वो की थी एडिट, तो मैं लिपस्टिक उतार के देखो आप देख सकते हो कितनी खांसी लगी, तो मैं इनको काढ़ा बना के दे रही हूँ। देखो काढ़ा बना के दे रही हूँ काली मिर्च का, और तो कुछ है नहीं। ये मैंने अपनी एक फ्रेंड है उसको पूछा अभी रात को, तो मैं बना के दे रही हूँ क्योंकि इनकी तबीयत ख़राब हो रही है। आपको पता है इस टाइम पर डर लगता है यार, और हमने वैक्सीन भी नहीं लगवा रखी है, और इनका काम भी ऐसा है कि इनको रेस्ट नहीं मिल रहा, बच्चे सारे सो रहे हैं। देखते हैं, कुछ मेडिसिन तो इन्होंने ले ली थी, पर देखते हैं कुछ रिलीफ मिलेगा। तो चलो मैं इनको काढ़ा पिलाती हूँ और बाद में मिलती हूँ, मॉर्निंग में कंप्लीट करती हूँ इसको। ठीक है, बाय बाय कर दो। अरे बाबू क्या कर रहा है? क्या कर रहा है यार? नींद नहीं है यार आपको? गाने सूझ रहे इस टाइम? हाँ और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तुझे ज्यादा मस्ती सूझ रही है? तुझे ज्यादा मस्ती सूझ रही है? पापा को भूख हुआ है ना? तूने पी दवाई? कहाँ है दवाई तेरी? रख दे बाबू। इतनी जोर से मम्मा के दांत में फोन मारा तुमने? मारा? ये देख यहाँ पे मारा ना। अरे गुस्सा होने वाली क्या बात है? जब मारा तो मारा। अच्छा मैं गंदी हूँ? हाँ। नहीं हूँ तू अच्छी है, मैं गंदी हूँ? हाँ। मैं अच्छी हूँ, तू गंदी है। देखी तू गंदी है, तू गंदी है। दाल बना रही हूँ, दाल मूंगी मसरी की दाल। क्या बोल रहे हो? देखना इनका रंग काला हो गया, यहाँ देखना। अरे आपको पता है ना इनकी तबीयत खराब चल रही है, मैंने काढ़ा बना के पिलाया था तो इनकी तबीयत जो है खराब चल रही है, इनका खांसी। ये मास्क धो रहे हो? ये खोल लो, हैंड वॉश खोल लो, न्यू वाला। तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ, तो मैंने जो है ये दाल बना दी। सबसे इजी और टेस्टी लगती है ये दाल। देखो मैंने पानी पिया था ना, यहाँ पानी गिर गया तो बस यार क्या बोलूँ। इनको बोल रही हूँ कि चलो दवाई ले आते हैं, बट गाड़ी जो है वो किसी को दे रखी है। सिंपल तड़का लगता है ये दाल का ना, मैं तो बिल्कुल ही सिंपल तड़का लगाती हूँ। देखना अभी टमाटर भी मैंने दाल में जो है पहले डाल दिया है, जब मैं दाल को सीटी लगवाती है। बड़ी टेस्टी बनती है ये दाल, तो थोड़ी सी इसमें उबाल आ जाए। आटा मैंने तैयार करके रख दिया है, तो तब तक जाओ हस्बैंड के पास क्योंकि उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, तो उनको थोड़ा सा पैम्पर करना जरूरी है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन बाद कैमरे के सामने आ रहे हो। क्या हाय तो बोल दो। इन्हें क्यों शर्मा रहे हो कैमरे वाले दे? जिक्कू सिर
जिक्कू खाना पान लग जी मैंने पाऊंगी बिच नहीं अरे यार नॉर्मली पायो देखो तो नहीं पाना ही नहीं पाना ऑन कैमरा क्या कर दिया ऑन कैमरा हस्बैंड ने क्या कर दिया ये टाइटल डालूंगी कि ऑन कैमरा हस्बैंड ने क्या कर दिया देखना आप सिद्ध मामा जिक्का सिद्ध अरे मुझे मुझे आपको पता है ये मुझे क्या बोलते खांसी की थी ये ना जब जब इनका जॉब स्टार्ट नहीं हुआ था तो ये मुझे बोलते थे अब ना ये एकदम सीरियस मोड में आते हैं सीरियस मोड में चले जाते हैं ना तो बस मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ आपको पता थोड़ी देर पहले मैं लाइव आई थी तो बस मैंने अपना फेस वॉश किया है लिपस्टिक उतारी है अपनी अच्छे से सारा कुछ है जो मैंने क्लीन किया है फेस का तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ एक छोटा सा ब्लॉग है ये मेरे हस्बैंड के साथ और मेरे बेबी के साथ उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आए और हाँ जो लोग थोड़े से ज़्यादा फुदक रहे हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में रिएक्शन देती हूँ ये तो मेरा नॉर्मल ब्लॉग ज़रूरी है आपको पता नॉर्मल ब्लॉग्स भी डालना ज़रूरी है आप लोग को ये भी पता लगना चाहिए कि मैं अपने हस्बैंड के साथ क्या क्या करती हूँ घर में तो इसलिए अपने बच्चों के साथ तो मैं इसलिए सोचती हूँ कि एक नॉर्मल ब्लॉग जो है डेली का होना चाहिए घर का डेली रूटीन ठीक है तो इसलिए मैंने एक ये नॉर्मल ब्लॉग डाला और अब बारिश बहुत तेज़ हो रही है बाहर और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 तो अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो बस अभी मैं उनको मेडिसिन देती हूँ तो फिर उसके बाद वो सोएंगे फिर मॉर्निंग में देखती हूँ इस वीडियो के बाद है जो वो वीडियो आएगी जिसमें रिएक्शन दूंगी मैं कई लोग फुदक रहे हैं तो उनको थोड़ा सा कूदना बंद करवाऊंगी और जो मैडम ने ये बकवासे की है तो इस मैडम को उम्मीद करती हूँ कि कुछ समझ में आए और मैं चाहती हूँ कि उसको समझ में आए अगर ये दोबारा छिड़ी तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगी मतलब बात कहाँ की थी ये कहाँ तक लेके चली गई मतलब ये बोलती है कि मतलब छोड़ो मैं इसको बाद में जवाब दूंगी ये मेरी माँ तक और मेरे मैरिज लाइफ तक गई है तो मैं इसको बाद में अच्छे से जवाब देती हूँ तो बस उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा नॉर्मल ब्लॉग पसंद आए मेरा मेरे डुगू का मतलब कि इसमें मस्ती की हुई है आपको पसंद आए तो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर कोई भी नहीं हुए तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करना ताकि मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जाए तो तब तक के लिए बाय बाय लव यू घर पर रहो सेफ रहो सारे